बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाता हूँ आपके लिए दिलचस्प और तारीखी मालूमात। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। छलपदार, ये सिर्फ दिल्ली में तकरीबन 10 घरों पर मुश्तमल एक बरादरी का नाम है। उनका कहना है कि वो मुग़ल दौर में मेवात से वहाँ आए और यूपी में मजावर कहलाने लगे। शेख मजावर और कलंदरों के अजदाद हैं, चनाचे वो मौखरल जिक्र की औलाद कलंदर कहलाई। मगर ये महज फसाना लगता है। ख्याल गालब है कि वो इस्लाम कबूल कर लेने वाले हिंदू हैं। जब वो हिंदू मत के पैरोकार थे तो सैलानी गवैये हुआ करते थे। इनमें बुत परस्ती के रुझान अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। उन्होंने बुतों की बजाय मुसलमान पीरों को पूजना शुरू कर दिया। छलपदारों का कोई चौधरी नहीं बल्कि पंचायती निज़ाम है और कबीले के क़वायद से इनखराफ करने वाले को 10 या 12 आने तक जुर्माना किया जाता है और उस रकम से मिठाई खरीद कर पंचों में बांट दी जाती है। वो शरी अंदाज में निकाह करते हैं और बेवा की शादी करने की इजाज़त देते हैं। छज्जो पैंथी, छज्जो या छज्जो पैंथी कम तर सिलसिलों के दरमियान हिंदू और मुस्लिम अकायद का दिलचस्प मगलूबा पेश करने वाला एक फ़िरका कहा जाता है कि इसकी बुनियाद लाहौर के एक भगत छज्जू ने रखी जो औरंगज़ेब के अहद में गुज़रा। छज्जू के पैरोकार अपने मुर्दों को जलाते मगर उनकी राख गंगा में नहीं बहाते। इनकी बजाय वो राख को बंदेलखंड में परनजी नामी मकाम पर ले जाकर दफन कर देते। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर यकीन रखते हैं मगर मुसलमानों के साथ मेल जोल नहीं करते। ज़िला मिंडकुमरी पाकपतन की तहसील में मलका हांस के मकाम पर इनकी एक मुकद्दस ज्यारतगाह है जहां फम्मन दास नामी महेंद्र रहता था और उसकी मुकद्दस किताब एक किस्म का माबद में रखी थी। ये किताब भाषा में लिखी हुई है और इसमें बयान करदा अकायद हिंदू मत और इस्लाम का मगलूबा है। इनके कुछ पैरोकार कबूला तबई और हड़प्पा में भी हैं। वो गोश्त नहीं खाते। चरहोया, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में चढ़ोया भी बोला जाता है, मुल्तान डिवीज़न और दीगर डेरा जात में चढ़ोया धोबी और छींबा है। अक्सर ललारी और रंगरेज के हुनर भी अपनाए हुए हैं। धोबी की हैसियत में वो तयशुदा रवायती रकूम या अशिया वसूल करके गांव वालों के कपड़े धोता है। वो बहावलपुर गुजरात और पेशावर में भी आबाद है और इसे धोबियों से भी अलग ख्याल नहीं किया जाता।